गुलदस्ता भरा गुलाब से और किताबें भरी ख्वाब से। शुक्रिया। गुलदस्ता भरा गुलाब से और किताबें भरी ख्वाब से, ख्वाबों के दबाव से मुरझाया गुलाब आदाब से। आप सभी को मेरा आदाब, शुक्रिया। एक कविता अल्फाज के नाम लेके आया हूँ कि मेरी किताब का पहला पन्ना आदाब से शुरू होता है और हर एक पन्ना अल्फाज से बुना होता है। बीच कहीं किताब में एक मुरझाया गुलाब पड़ा होता है। गुलाब के नीचे मेरी तमाम कायनात से भरे रास का पन्ना मुड़ा होता है। पन्ना खुलते ही मेरी अधूरी मोहब्बत का असली भाव समझ आता है। तब ना जाने ना चाहते हुए भी हर कोई मेरे जज्बात से जुड़ा होता है। देखिए, आप एक कलाकार का ना, हर कलाकार का अपना एक सफर होता है जो कभी उतार चढ़ाव से भरा होता है। तो उसी पे एक अर्ज किया है कि कला हमेशा कलश में सिमटी याद की तरह होती है। कला हमेशा कलश में सिमटी याद की तरह होती है, पहले आग की तरह दहकती है और फिर राख बन सागर में बहने का भी दम रखती है। शुक्रिया। अच्छा, आप लोगों ने बचपन में कहानी सुनी होगी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो उसका एक ट्विस्टेड वर्जन लेके आया हूँ कि वो शतरंज की रानी और मैं शतरंज का प्यादा। छोटी सी पंक्ति है, पेश की है कि वो शतरंज की रानी और मैं शतरंज का प्यादा, जगह बनाऊं जरा सी और वो आगे बढ़ जाए हद से ज्यादा, और वो आगे बढ़ जाए हद से ज्यादा। शुक्रिया। मुझे अक्सर आज भी याद है वो दिन, अक्सर जब मैं हर शाम दोस्तों के साथ ऑफिस के बाद चाय और सुट्टे के लिए जाया करता था। इन दिनों उन शाम वो भी आया करती थी और मेरे बहुत करीब से गुजर के चाय वाले से बिस्कुट का पैकेट ले जाया करती थी। तो फिर कुछ शाम उसके इंतजार में गुजरने लगी, मानो चाय भी फीकी फीकी से लगने लगी। फिर एक रात ख्याल आया कि कभी तो ख्वाब ऐसा आए कि चाय में डूबे बिस्कुट की तलाश खत्म हो जाए। शुक्रिया। अच्छा, एक कविता पेश की है अभिनंदन के नाम, भारत के पुत्र अभिनंदन की। आगाज हुआ था क्रंदन से, देश आ गया था असमंजस में। भीड़ जमा थी जनपद पे लोग उतर पड़े थे अनशन पे। हमला कर आतंकी संगठन पे, एक नया वतन था ये। अगली सुबह हुई अभिनंदन से देश के नंदन से। तलवार लटकी थी उनकी गर्दन पे, तभी बुलवा लिया सब समर्थन। ये देख कहीं भरा था रोष बड़ा। धैर्य बना वो डटा रहा। जैसे ही अगली शाम हुई, सारी सरहद अभिनंदन के नाम हुई। आखिरकार अभिनंदन की उड़ान कामयाब हुई। शुक्रिया। तो अंतिम कुछ कविता पेश करता हूँ, फिर इजाजत लूंगा आप सभी के बीच। कि आप सभी के मुस्कुराते चेहरे देखे तो एक शेर याद आया है कि इन मुस्कुराते चेहरे के पीछे न जाने कितने गहरे राज हैं। बेनकाब करें जनाब को तो जाने कितने हश्र बेहाल हैं। अंतिम एक कविता और फिर इजाजत लूंगा कि मैं गुलदस्ता तो मेरा हरे गुलाब तुम, मैं ढलती शाम तो मेरा महताब तुम, मैं कतरा तो मेरे लहू की धार तुम, मेरी महफिल का उपहार तुम, मेरी सोच का आधार तुम,
मेरी महफिल का उपहार तुम, मेरी सोच का आधार तुम, मैं कवि तो मेरे अंदर का गुलजार तुम, तो मेरे अंदर का गुलजार तुम। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अंतिम दो पंक्तियां पेश करूं और फिर इजाजत लूंगा कि मैं कवि तो मेरे अंदर का गुलजार तुम, मेरी कलम से लिखा हर एक इजहार तुम, हर एक इजहार तुम। शुक्रिया। रिकॉर्ड योर पोएट्री, शायरी, स्टोरी विद म्यूजिक ओनली ऑन Nojoto ऐप। डाउनलोड द ऐप नाउ।